न्यूयॉर्क से खबर शामिल करते हैं, जहां पर अमेरिका में एक 56 साला खातून अपने बहू के बच्चे को जन्म देकर दादी बन गई। डेली स्टार के मुताबिक अमेरिकी रियासत ओटा से ताल्लुक रखने वाली खातून, इस खातून का नाम नैन्सी हॉक है। इसकी 30 साला बहू कैम्ब्रिया को माँ बनने में दुश्वारी का सामना था, जिस पर डॉक्टरों ने इसे सर्जरी के जरिए बच्चा हासिल करने का मशवरा दिया। कैम्ब्रिया और इसके 33 साला शोहर जेफ ने जब ये सूरत हाल नैन्सी को बताई तो उसने अपने बेटे और बहू के बच्चे को अपने पेट में रखने और पैदा करने की जिम्मेदारी खुद उठाने का फैसला कर लिया। डॉक्टरों ने हिना और जेफ के पैसे और स्पर्म से एम्ब्रियो तैयार किया और इसे नैन्सी के रहम में रख दिया। नैन्सी ने 9 माह तक बच्चे को अपने पेट में रखा और गुज़श्ता दिनों इसके यहाँ उसकी पोती की पैदाइश हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची और नैन्सी दोनों सेहतमंद है। घर वालों की तरफ से नौमुलद का नाम हिना रखा गया है। नैन्सी का कहना है कि अपने बेटे और बहू के बच्चे की माँ बन एक मशहूर का तजर्बा है। मैं इस तजर्बे को लोगों तक पहुँचाने के लिए एक किताब तसनीफ करूँगी।